जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव अग्रवाल, एकेडमिक हेड मेडिकल कल्चर क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रैक्टिस ही इकलौता ऐसा माध्यम है जो आपको यूपीएससी क्रैक करवाएगा। अभी आपने देखा हमारे कैंपस में हो रहा एनडीए का मॉक टेस्ट, डिफेंस के सभी कॉम्पिटिशन्स के मॉक टेस्ट हर संडे को ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आयोजित किए जाते हैं। अगले महीने के पहले संडे को भी एनडीए के मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक महीने के पहले संडे से ठीक पहले आप हमारी वेबसाइट पर होने वाले निशुल्क रजिस्ट्रेशन को करवाकर अगले मॉक टेस्ट में हमारे पास आ सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज स्निग्धा, आई एम फ्रॉम पटना बिहार एंड टुडे आई हैव गिवन द इंग्लिश मॉक टेस्ट विच कंसिस्टेड ऑफ मैथ्स एंड जीएटी पेपर। तो मैंने दोनों ही मॉक टेस्ट दिए और मुझे फ़ायदा ये दिखा कि मैंने अपने प्रिपरेशंस के लेवल चेक करे, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे, अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो मुझे पता चला कि मैंने कितने चैप्टर्स में कैसा प्रिपरेशन किया है। तो आई सजेस्ट दैट यू शुड ऑल्सो गो फॉर मॉक टेस्ट एंड थैंक यू। मैंने आज अभी पेपर दिया है, तो ये जो पेपर होता है, मॉक टेस्ट दिया मैंने एमकेसी में, तो ये जो मॉक टेस्ट होता है इसमें मतलब अगर आप देते रहेंगे कंटिन्यू तो मतलब इससे फ़ायदे बहुत मिलते हैं। जैसे कि आप मॉक, जैसे आप ओमआर सीट भरना जान सकते हैं, इसमें कैसे भरना होता है, कौन से क्वेश्चन अटेंड करना होता है, कौन सा छोड़ना होता है, तो मतलब एक कुल मिला के इसमें जो अगर पेपर दे रहे हैं आप ये मॉक टेस्ट का, तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं। क्या नाम बेटा? ज्योति जैसा। आपका मॉक टेस्ट देख करके तुम्हें कैसा फील हुआ? सर मुझे अच्छा लगा और सर मुझे इससे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला कि हमें कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे क्या करना चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए, किस कौन से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, और काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। कहाँ से आया बेटा? मैं कौशाम्बी से। किस चीज़ तैयारी करते हो? एनडीए। कहाँ करती हूँ? एमकेसी में। एमकेसी में करते हैं। हाँ। ठीक है, तो अगर इसी तरह हम मॉक टेस्ट कराते रहे 3 सितंबर के रिजल्ट में क्या होगा? सर काफी बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, मुझे काफी अच्छा रिजल्ट होगा। क्या नाम बेटा? सर सपना। आज पहली बार मॉक टेस्ट दिया? यस सर। कैसा लगा? सर फर्स्ट बार था, बहुत अच्छा था। पेपर कैसा था? सर पेपर भी बहुत अच्छा आया था। एनडीए के लेवल का था? यस सर। तो कितने क्वेश्चन लगभग किए आपने? सर 35 क्वेश्चन किए। 35 क्वेश्चन? यस सर। जो कि वो सही किया? सब सही होना चाहिए। तो अगले संडे को भी मॉक टेस्ट करा दे? सर मंथली में करवा दे। मंथली में ही करा दे? यस सर। हर मंथ के फर्स्ट संडे को? यस सर। तो 3 सितंबर में रिजल्ट देंगी आप? सर लगता है ऐसे मंथली में मॉक टेस्ट होता रहेगा तो हम लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा। पक्का? यस सर। जो और आपके मित्र हैं, क्लासमेट्स हैं, वो टेस्ट देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर जो नहीं देते हैं उनके लिए लगता है कि थोड़ा वो होगा, मुश्किल होगा, इसलिए सबको देना चाहिए। यस सर। अगले टेस्ट के लिए इनवाइट करना चाहिए। यस सर। द पेपर वॉज प्रिटी गुड एंड आई थिंक दैट कि सारे बच्चों को ये पेपर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है, और पेपर्स के सेट जो हैं वो एज यूजुअल जैसे एनडीए में आपको पेपर देना होता है, पेपर वैसे ही सेट किया जाता है, और सारे एक्सपर्ट हैं, तो इस वजह से मैं तो कहूँगा कि आपको ये मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम मोहित चौधरी, आई एम बिलोंगिंग टू मुजफ्फरपुर बिहार। अभी मैं मॉक टेस्ट देकर निकल रहा हूँ एमकेसी से। मॉक टेस्ट बहुत अच्छा होता है, एक तो ये आपके एकेडमिक्स को बताता है कि आप कितने प्रोग्रेस में हैं, ऊपर से अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो ये आपके जो एनडीए में आने वाला क्वेश्चन है उसी टाइप से आता है, तो यहाँ का मॉक टेस्ट बहुत सही होता है। आप भी आइए और ये मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। सर मेरा नाम सोनी बिंद है और मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मॉक टेस्ट मतलब मंथली में फर्स्ट वीक के संडे को होता है और इससे हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं, जैसे इसमें खुद को कैसे मैनेज करना है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इससे हमें सब मतलब इसकी जानकारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और मतलब इसमें हमें जो है ओएमआर सीट कैसे भरना चाहिए और हमें कम क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए और जो हमें क्वेश्चन आते हैं वही अटेंड करना चाहिए।